India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट से जुड़ी तमाम खबरें। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंडअप। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली के मामले में ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पोलोज को जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसी की अवकाश पीठ ने टिप्पणी की कि चूंकि पोलोज के खिलाफ कई गंभीर आरोप हैं, इसलिए वो लंबी सुनवाई और सह आरोपियों के साथ समानता का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत नहीं मांग सकती। इस प्रकार इसने पोलोज को अंतरिम राहत देने से इनकार करने वाले 25 मई के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा, विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है, लंबित आवेदन भी खारिज माने जाएंगे। पोलोज के खिलाफ मामला जबरन वसूली के एक मामले से जुड़ा हुआ है, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा कर रही है। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया है कि चंद्रशेखर ने रैनबक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपए ठगे हैं। चंद्रशेखर पर आरोप है कि उसने खुद को कानून मंत्रालय का अधिकारी बताया और दोनों महिलाओं ने अपने पतियों की जमानत के लिए चंद्रशेखर को कई करोड़ रुपए दिए। ईओडब्ल्यू ने इस मामले में लीना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67D और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 1999 की धारा 3 और 4 के तहत आरोप पत्र दायर किया। पोलोज, चंद्रशेखर और अन्य पर हवाला के जरिए शेल कंपनियां बनाने और अपराध से अर्जित धन को ठिकाने लगाने का आरोप है। पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उस समय हाई कोर्ट ने पाया था कि दोनों प्रथम दृष्टया अपराध में शामिल थे और उनके द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को खारिज करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश में कोई कमी नहीं थी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने और अनुबंध के आधार पर चयनित संविदा शिक्षक को वैध नियुक्ति से इनकार करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने राज्य सरकार को शिक्षक को राहत देने से इनकार करने के लिए जानबूझकर अवैध दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारियों से उक्त राशि वसूलने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश के उस हिस्से को पलटते हुए जिसमें अपीलकर्ता शिक्षक को प्रतिपूरक राहत देने से इनकार किया गया। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि यह स्वीकार करने के बावजूद कि अपीलकर्ता की नियुक्ति गलत तरीके से अस्वीकार की गई, जो उसके अपने आदेश का उल्लंघन है। हाईकोर्ट अपीलकर्ता को प्रतिपूरक राहत प्रदान करने में विफल रहा, जबकि उसने यह माना कि उसे अवैध रूप से उसके वैध अधिकार से वंचित किया गया। न्यायालय ने राज्य सरकार की कार्रवाई को हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों को किसी भी तरह से दरकिनार करने का प्रयास बताया, जिसे अपीलकर्ता तथा उसके साथियों को नियुक्ति के उनके वैध दावे से वंचित किया जा सके, जो बहुत पहले से ही स्पष्ट है। मनोज कुमार बनाम भारत संघ और अन्य के मामले का संदर्भ देते हुए न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता राज्य सरकार तथा उसके अधिकारियों की मनमानी तथा
अत्याचारपूर्ण कार्रवाई के कारण उस पर आए दुख के लिए प्रतिपूरक राहत के साथ साथ मुआवजे की हकदार है। अपीलकर्ता को प्रतिपूरक राहत प्रदान करने का उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के अत्याचारी रवैये के कारण लंबे समय तक मुकदमेबाजी के कारण उसे हुई क्षति की भरपाई के लिए उचित उपाय करना था। जिन्होंने अपीलकर्ता को संविदा शिक्षक के पद पर नियुक्ति देने से इनकार कर दिया। हाल ही में वंश बनाम शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मामले में अदालत ने प्रतिवादियों के असंवेदनशील, अन्यायपूर्ण, अवैध और मनमाने दृष्टिकोण और न्यायिक प्रक्रिया में हुई देरी के कारण MBBS पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में उसके सही प्रवेश से अवैध रूप से वंचित होने के खिलाफ, यहाँ तमाम जो बातें हैं वो हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट का मध्य प्रदेश सरकार पर जुर्माना, सरकार ने चयनित संविदा शिक्षक की नियुक्ति से इनकार किया था। तो हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना के लिए मध्य प्रदेश सरकार पर जुर्माना, दोषी अधिकारियों से उक्त राशि वसूलने का इस दौरान निर्देश दिया गया है। स्मिता श्रीवास्तव बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ₹10 लाख का जुर्माना इस दौरान लगाया गया। और उधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बैंक ऑफ बड़ौदा को, कंपनी और उसके निदेशक को 76,90,017 रुपए वापस करने का निर्देश दिया है। जिन्होंने इस दौरान अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन देन से जुड़ी साइबर धोखाधड़ी की घटना में राशि खो दी, जिसके लिए कोई OTP नहीं भेजा गया था। जस्टिस GS कुलकर्णी और जस्टिस फिरदौस पी की खंडपीठ ने राशि वापस करने की मांग करने वाली रिट याचिका फार्मा सर्च आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशक जयप्रकाश कुलकर्णी ने पिछले 15 से 20 वर्षों से बैंक ऑफ बड़ौदा की वर्ली शाखा में बैंक अकाउंट खोल रखा था। 1 अक्टूबर 2022 को याचिकाकर्ताओं के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर कोई वन टाइम पासवर्ड भेजे बिना लाभार्थियों को उनके खाते में जोड़ दिया गया। अगले दिन 2 अक्टूबर 2022 को कंपनी के अकाउंटेंट ने पाया कि उनके अकाउंट से कई लेन देन में राशि डेबिट की गई है। धोखाधड़ी का एहसास होने पर उन्होंने 30 मिनट में एक घंटे के भीतर वर्ली पुलिस स्टेशन में साइबर सेल और बैंक मैनेजर को लेन देन की सूचना दी। याचिकाकर्ताओं को रिफंड नहीं मिला। बैंक लोकपाल के पास दायर की गई शिकायत को 10 जनवरी 2023 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि लेन देन खाता धारक को ज्ञात वैध का उपयोग करके प्रमाणित किए गए याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का इस दौरान दरवाजा खटखटाया और तर्क दिया कि उनकी ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई और बैंक RBI सर्कुलर में उल्लेखित प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप अनाधिकृत लेन देन हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा ने तर्क दिया कि उसकी सेवा में कोई कमी नहीं थी। न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ताओं ने निर्धारित समय के भीतर अनाधिकृत लेन देन की सूचना दी थी। न्यायालय ने पाया कि बैंकिंग लोकपाल ने पर्याप्त रूप से जांच नहीं की कि क्या लेन देन याचिकाकर्ताओं द्वारा अधिकृत है। उधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे पोर्श दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी की बुआ की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे तत्काल राहत देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया है। जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजुषा देशपांडे ने कहा कि चूंकि नाबालिग 21 मई 2024 से ऑब्जर्वेशन होम में थी, इसलिए अंतरिम आदेश की तत्काल आवश्यकता नहीं थी और मामले को 20 जून 2024 को पोस्ट कर दिया। याचिका में कहा गया है कि किशोर को उसके दादा की हिरासत से अवैध रूप से ले जाया गया था, जो शुरू में जमानत देने के बाद उसके लिए जिम्मेदार थे और
पहले के आदेश की उचित समीक्षा के बिना एक निरीक्षण गृह में रखा गया था। उसे उसके दादा की हिरासत से कैसे दूर ले जाया जा सकता है और उसे एक निरीक्षण गृह में रखा जा सकता है, वह भी 19 मई 2024 के पहले के आदेश को याद करके समीक्षा करना कुछ ऐसा है जो पूरी तरह से कानून का उल्लंघन है। 22 मई 2024 को सीआरपीसी की धारा 439 उपधारा खंड 2 के तहत जांच एजेंसी द्वारा कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था। जांच एजेंसी द्वारा दायर आवेदन में प्रार्थना का कोई प्रावधान नहीं है और यह कानूनी रूप से सुनवाई योग्य नहीं है। नाबालिग जो पुणे के एक प्रमुख बिल्डर का बेटा है 19 मई 2024 को एक कार दुर्घटना में शामिल था, जहां उसकी पोर्श कल्याणी नगर इलाके में एक मोटरसाइकिल से टकरा गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप दो व्यक्तियों की जान चली गई थी। वह कथित तौर पर ड्राइविंग से पहले दोस्तों के साथ एक पब में शराब पी रहा था। वकील स्वप्निल अंबूरे के माध्यम से दायर याचिका में दलील दी गई कि नाबालिग को हिरासत में लेने का किशोर न्याय बोर्ड JGB का फैसला गैर कानूनी था। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता अबध ने नाबालिग की तत्काल रिहाई की मांग की और याचिका में संशोधन करने के लिए समय मांगा, ताकि JGB को 13 जून 2024 के आदेश को शामिल किया जा सके। कोर्ट ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया, लेकिन याचिकाकर्ता को याचिका में संशोधन करने के लिए समय दिया। याचिका में ये भी दावा किया गया कि न्यायिक प्रक्रिया पर जनता की भावना और मीडिया रिपोर्ट ने नाबालिग के खिलाफ न्यायाधीश को प्रभावित किया, याचिका में लिखा था। उच्च न्यायालय ने हाल ही में IPC की धारा 498A के तहत एक मुस्लिम व्यक्ति की सजा को बरकरार रखा है, जिसमें दहेज की मांग पूरी ना होने पर अपनी हिंदू पत्नी के साथ क्रूरता और उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था। हालांकि न्यायालय ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत यह विवाह अनियमित माना गया था। न्यायमूर्ति जॉन ने व्यक्ति की इस दलील को खारिज कर दिया कि उसके और पीड़िता के बीच वैध विवाह न होने पर उसके खिलाफ IPC की धारा 498A लागू नहीं होती। न्यायालय ने कहा कि दंपति पति पत्नी के रूप में साथ रह रहे थे और उप पंजीयक कार्यालय में विवाह समझौते को पंजीकृत कराने के अलावा उन्होंने एक दूसरे को माला भी पहनाई थी। न्यायालय ने निचली अदालत के इस निष्कर्ष से सहमति जताई कि सुन्नी कानून के अनुसार मुस्लिम पुरुष और हिंदू महिला का विवाह अमान्य नहीं है, बल्कि अनियमित है। अभियोजन पक्ष के अनुसार दहेज की मांग के सिलसिले में महिला को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। बाद में उसने तेजाब पी लिया था और मई 2002 में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु के बाद पीड़िता के सौतेले पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामले की जांच IPC की धारा 304B के तहत की गई और पति के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। हालांकि आरोपी से पूछताछ करने और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों पर विचार करने के बाद ट्रायल कोर्ट ने पाया कि आरोपी ने IPC की धारा 498A और धारा 306 के तहत भी अपराध किए होंगे। ट्रायल के बाद व्यक्ति को दहेज हत्या और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों से बरी कर दिया गया। हालांकि उसे IPC की धारा 498A के तहत दोषी ठहराया गया और 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। साक्ष्यों का विस्तार से विश्लेषण करने के बाद कोर्ट ने FIR दर्ज करने में देरी के तर्क को खारिज कर दिया। पीड़िता के सौतेले पिता और मां के साक्ष्य से पता चलता है कि अस्पताल में पीड़िता के इलाज के दौरान उनकी मदद करने वाला कोई और नहीं था। कोर्ट ने मामला दर्ज करने में किसी भी देरी के कारणों को जांच करते हुए नोट किया। उधर जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने हाल ही में जम्मू कश्मीर भूमि संरक्षण और प्रबंधन
प्राधिकरण या LCMA श्रीनगर को श्रीनगर के डल झील पर प्रसिद्ध फ्लोटिंग मार्केट में चाय बेचने वाले लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान न करने के लिए कहा। मुख्य न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति वसीम सादिक ने यह आदेश तबरवान टी स्टॉल के साझेदारों द्वारा दायर याचिका पर पारित किया, जो फ्लोटिंग मार्केट में चाय बेचते थे। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि LCMA के अधिकारी अक्सर चाय की दुकान पर आते हैं और उन्हें परेशान करते हैं, जिससे उनके व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने में बाधा उत्पन्न होती है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उनके पास अपना व्यवसाय करने के लिए वैध लाइसेंस है। 29 मई के आदेश में न्यायालय ने कहा कि यदि उनके पास वैध लाइसेंस है तो LCMA ऐसे विक्रेताओं को परेशान नहीं कर सकता। इस संबंध में न्यायालय के आदेश में कहा गया कि हमें कोई कारण नहीं दिखता कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कोई बाधा क्यों उत्पन्न की जाए जो आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने के बाद व्यवसाय चला रहा है। न्यायालय ने LCMA को निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा किया कि यदि याचिकाकर्ताओं के पास वैध लाइसेंस है तो वह उनके व्यवसाय को अनावश्यक रूप से बाधित न करें। आदेश में कहा गया है, प्रतिवादी प्राधिकरण को लाइसेंस की वैधता या वास्तविकता को सत्यापित करने और कानून के अनुसार मामले में आगे बढ़ने की स्वतंत्रता होगी, और यदि याचिकाकर्ता बिना किसी वैध लाइसेंस या दस्तावेजों के व्यवसाय चलाते हुए पाए जाते हैं तो संबंधित प्राधिकरण कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगा। उधर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग दक्षिण मुंबई की खंडपीठ ने एयर इंडिया को सेवाओं में कमी और दोषपूर्ण सीटें प्रदान करने के लिए अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने एयर इंडिया को शिकायतकर्ता को 80,000 रुपए का मुआवजा देने के साथ साथ उसके द्वारा 20,000 रुपए की मुकदमेबाजी लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता ने एयर इंडिया की उड़ान से मुंबई दिल्ली टोरंटो दिल्ली मुंबई के लिए वापसी टिकट खरीदा, जिसकी आगे की यात्रा 3 जून 2023 को निर्धारित थी और वापसी 24 जून 2023 को होनी थी, जिसके लिए उसके द्वारा 4,21,000 रुपए का भुगतान किया गया था। यात्रा अवधि के दौरान शिकायतकर्ता को बिजनेस क्लास की सीटों के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ा, जो दोषपूर्ण थे और ठीक से झुक नहीं रहे थे। इससे 14 घंटे से अधिक समय तक बेचैनी, पीठ दर्द, नींद न आना और थकान हुई। यात्रा के दौरान और बाद में ईमेल, पत्राचार और पत्रों के माध्यम से इन चिंताओं को उठाने के बावजूद शिकायतकर्ता को एयर इंडिया से संतोषजनक समाधान नहीं मिला। शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग दक्षिण मुंबई जिला आयोग से संपर्क किया और एयर इंडिया के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज की। इसके जवाब में एयर इंडिया ने गलती स्वीकार की और ईमेल के जरिए समाधान पेश किया। इसने एक वर्ष की वैधता के साथ दिल्ली टोरंटो दिल्ली यात्रा के लिए टिकट मूल्य के 75% के बराबर गैर हस्तांतरणीय यात्रा वाउचर और टोरंटो दिल्ली चरण के लिए समान वैधता अवधि के साथ 10,000 रुपए के गैर हस्तांतरणीय यात्रा वाउचर का प्रस्ताव रखा। हालांकि शिकायतकर्ता ने कहा कि यह प्रस्ताव अनुपयुक्त था, एयर इंडिया कार्यवाही के लिए जिला आयोग के समक्ष पेश नहीं हुई, इसलिए उसके खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई की गई। जिला आयोग ने माना कि यात्रा पूरी होने के कारण टिकट की कीमत की पूरी वापसी अनुचित थी, लेकिन उसने स्वीकार किया कि उचित मुआवजे के लिए शिकायतकर्ता का अधिकार था। नतीजतन जिला आयोग ने एयर इंडिया को शिकायतकर्ता को 80,000 रुपए का मुआवजा और उसके द्वारा खर्च किए गए 20,000 रुपए के मुकदमेबाजी खर्च के साथ प्रदान करने का आदेश दिया। उधर कर्नाटक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की पीठ ने बिल्डर को निर्देश दिया कि वो होम बायर्स द्वारा फ्लैट खरीदने के लिए भुगतान की गई राशि को ब्याज के साथ वापस कर दे, क्योंकि बिल्डर वैकल्पिक फ्लैट देने में विफल रहा, जिसे शुरू में बुक किए गए फ्लैट को समय पर वितरित करने के
विफल रहने के बाद होम बायर्स को पेश किया गया था। प्राधिकरण ने पाया कि एग्रीमेंट करने और घर खरीदारों से पर्याप्त राशि प्राप्त करने के बावजूद बिल्डर फ्लैट का कब्जा देने या ब्याज के साथ राशि वापस करने में विफल रहे। इसके अलावा प्राधिकरण ने नोट किया कि बिल्डरों ने होम बायर्स के संचार में प्रयासों का जवाब नहीं दिया। कोर्ट ने कानून का जिक्र किया जिसमें कहा गया कि अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या प्रतिसंहरण के कारण विकासकर्ता के रूप में अपने कारोबार बंद होने के कारण या किसी अन्य कारण से वह आवंटियों से मांग किए जाने पर दायी होगा। यदि आवंटी परियोजना से हटना चाहता है बिना किसी अन्य उपलब्ध उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। नतीजतन प्राधिकरण ने बिल्डर को 60 दिनों के भीतर ब्याज के साथ फ्लैट खरीदने के लिए होम बॉयर्स द्वारा भुगतान की गई 34,96,569 रुपए की राशि वापस करने का निर्देश दिया। इसके अलावा प्राधिकरण ने बिल्डर को होम बायर्स से बकाया ऋण राशि का भुगतान करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.